दोस्तों, हमें जब भी घर बनवाना होता है तो हमें अपने घर का नक्शा यानी कि प्लान, डिजाइन और एलिवेशन बनवाना होता है इंजीनियर या आर्किटेक्ट से। सबसे पहली बात कि हमें मकान बनाने में एक सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट की जरूरत पड़ती क्यों है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो आपका कॉन्ट्रैक्टर होता है उसे प्रैक्टिकल नॉलेज तो जरूर होती है पर थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होती। जैसे सोयल की बेयरिंग कैपेसिटी क्या है, मकान का टोटल लोड कितना है और लोड के हिसाब से कॉलम, बीम, फुटिंग या स्लैब में कौन सा सरिया सही रहेगा, फुटिंग की डेप्थ क्या होनी चाहिए और वास्तु डायरेक्शन के हिसाब से हमारे घर में वॉशरूम, किचन, लेट बाथ, पूजा घर, डाइनिंग रूम, ड्राइंग रूम, ये सब कहाँ कहाँ प्लेस होना चाहिए। तो इन सभी काम के लिए ही हमें एक सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्ट या स्ट्रक्चरल इंजीनियर की जरूरत पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट आपसे मकान का नक्शा, एलिवेशन और 2D 3D मॉडल बनवाने के लिए कितना पैसा लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वे आपको क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं और किस सर्विस का क्या चार्ज लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक सिविल इंजीनियर डिजाइन करता है हमारे घर का 2D डिजाइन, जिसे आप घर का प्लान या नक्शा भी कह सकते हैं। 2D डिजाइन में एक सिविल इंजीनियर हमारे घर के अकोमोडेशन को प्लान करता है, जैसे बेडरूम, वॉशरूम, किचन, लेट बाथ, पूजा घर, स्टेयर्स, पोर्च, स्टोर्स, इन सब की डिजाइनिंग को ही 2D डिजाइनिंग कहा जाता है। यानी कि आप एक सिविल इंजीनियर को अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं तो उस हिसाब से वह आपका जितना भी एरिया होता है उसमें सभी अकोमोडेशन को प्लान करता है कि उनका एग्जैक्ट साइज कितना होगा, क्या क्या चीज कितनी बड़ी होगी और कहां प्लेस होगी। तो इसे हम बोलते हैं 2D डिजाइन या घर का नक्शा। तो 2D डिजाइन का इंजीनियर चार्ज लेते हैं 4 से 6 रुपए स्क्वायर फीट तक। ये रेट वेरी करते हैं सिटी टू सिटी और आर्किटेक्ट के एक्सपीरियंस पर। यानी कि अगर कोई नया आर्किटेक्ट होगा तो वो आपसे 4 रुपए पर स्क्वायर फीट तक लेगा, पर एक अच्छा पुराना एक्सपीरियंस आर्किटेक्ट 6 रुपए पर स्क्वायर फीट तक ले लेता है। जैसे मान लो आपका एरिया 1000 स्क्वायर फीट है तो उसका 2D डिजाइन का आपको चार्ज देना पड़ेगा 4000 से 6000 रुपए तक। सेकंड आता हमारा 2D डिजाइन एज पर वास्तु गाइडलाइंस, जिसमें वे हमारा घर वास्तु डायरेक्शन के हिसाब से प्लान करके देंगे। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि वास्तु की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है हमारे घर की कंस्ट्रक्शन में, तो वास्तु के अकॉर्डिंग अगर आप 2D डिजाइन बनवाते हो तो उसका आर्किटेक्ट 5 से 7 रुपए स्क्वायर फीट तक ले लेते हैं। थर्ड आता है हमारा 2D डिजाइन विद स्ट्रक्चरल डिटेल्स, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग डिटेल्स। देखिए, स्ट्रक्चरल डिटेल्स में वो आपको बता देंगे कि आपकी फाउंडेशन की डेप्थ क्या जाएगी, कॉलम, बीम, स्टेयरकेस और स्लैब में सरिये का साइज क्या रहेगा और आपकी स्लैब कौन सी रहेगी, 1-way स्लैब या 2-way स्लैब। तो स्ट्रक्चरल डिटेल्स में आपको ये सब डिटेल्स मिलेंगी। हमें थोड़ा इलेक्ट्रिकल के बारे में भी वो गाइडेंस देंगे कि हमारे इलेक्ट्रिकल लाइन कहां कहां से जाएगी और MCB बॉक्स वगैरह कहां होगा। इसके साथ साथ हमारे प्लम्बिंग की भी डिटेल देंगे कि हमारा सीवरेज पाइप, ड्रेनेज पाइप और वेस्ट पाइप कहां से होकर निकलेंगे और उनके चैम्बर कहां पर बनेंगे। तो इसका आपको वे चार्ज करते हैं 8 से 10 रुपए पर स्क्वायर फीट, क्योंकि इसमें वे आपको 6 से 7 डिटेल ड्राइंग बनाकर देते हैं। फोर्थ आपका स्ट्रक्चरल डिजाइन, यानी कि अगर आपको अलग से स्ट्रक्चरल इंजीनियर से स्ट्रक्चरल डिजाइन करवाना है तो उसमें वे आपको कॉलम, बीम, प्लिंथ बीम, टाई बीम, स्लैब और फाउंडेशन के सरिये की पूरी डिटेल देंगे कि स्लैब में हमारी क्रैंक बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार कितने फीट अंदर जाकर बेंड होगी। इसके साथ साथ फाउंडेशन की डिटेल बताएंगे एज पर सोयल बेयरिंग कैपेसिटी। इसमें वो आपको नंबर ऑफ स्टील भी बताएंगे, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कितनी रखनी है ये भी बताएंगे, कंक्रीट ग्रेड क्या रहेगा ये भी बताएंगे, बार बेंडिंग शेड्यूल भी देंगे और आपके कॉन्ट्रेक्टर को और अच्छे से बिठाकर भी समझाएंगे कि लोहा कैसे काटना है और बांधना है। इसका वो आपसे चार्ज करते हैं 8 से 10 रुपए पर स्क्वायर फीट। फिफ्थ इसके बाद आता है 2D एलिवेशन। 2D एलिवेशन क्या है? हमारे घर के बाहर का लुक, कि वो बाहर से कैसा दिखेगा, जो कराना बहुत जरूरी होता है। तो 2D एलिवेशन के एक सिविल इंजीनियर 2500 से 5000 रुपए तक ले लेता है 3 फ्लोर तक के मकान के लिए। अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन बनवाना हो तो इसमें वो आपको टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दोनों देते हैं। इसमें आप इंच बाय इंच एक एक मेजरमेंट देख सकते हो और कॉन्ट्रेक्टर बड़ी ही आसानी से उसे बना देता है दोनों फ्रंट व्यू और टॉप व्यू मिलने पर। सिक्स्थ, अगर आप चाहते हैं कि 2D एलिवेशन बनवाने से पहले आपको ये भी पता चल जाए कि एक्चुअल में बनने के बाद आपका घर कैसा दिखने वाला है, कलर वगैरह जो इस पर होगा वह कैसा लगेगा, तो फिर हम कॉम्बो ले लेते हैं 2D और 3D एलिवेशन का, जिसमें वो ग्राउंड फ्लोर का अप्रोक्स 5000 रुपए और 2 फ्लोर का 7000 रुपए तक ले लेते हैं। इसके बाद 7th आती है 3D डिजाइन एंड मॉडलिंग, जो आजकल काफी ट्रेंड में है। इसमें आप वीडियो के थ्रू देख पाते हो कि आपका बेड, अलमीरा, LED, AC ये सब कहां कहां प्लेस होंगे और हमारा घर में कितना स्पेस बचेगा या कंसिस्टेंट होगा। इन सब के लिए 3D डिजाइनिंग की जाती है और इसका एक सिविल इंजीनियर 8 से 10 रुपए पर स्क्वायर फीट तक चार्ज करते हैं।
इसके बाद आती है आपकी घर की एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग कि जो भी मकान आप बनाने जा रहे हो उसमें कितना पैसा लगेगा, कितना मटेरियल लगेगा, कौन सा मटेरियल कितना लगेगा, लेबर कितनी चाहिए, ये सारी डिटेल आपकी एस्टिमेशन में आ जाती है। और इसके लिए एक सिविल इंजीनियर 4 से 6 रुपए पर स्क्वायर फीट चार्ज करते हैं। इसके बाद लास्ट में है सुपरविजन बाय सिविल इंजीनियर, जिसका एक सिविल इंजीनियर आपसे 15 से 20 रुपए पर स्क्वायर फीट तक चार्ज करेंगे। पर ये आपका एक एक्स्ट्रा खर्च है जो आप टोटली आपके बजट पर डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपके कॉन्ट्रेक्टर सही नहीं है या पता नहीं है कि सही काम करेगा या नहीं, अपने कॉन्ट्रेक्टर पर थोड़ा सा भी डाउट है, तो ऐसे में आप सिविल इंजीनियर से सुपरविजन करा सकते हैं। इसमें वो आपको 8 से 10 विजिट साइट पर देंगे, आपके कॉलम मार्किंग के समय, कॉलम का सरिया बांधते समय, ब्रिक वर्क करते हुए, स्लैब का सरिया बांधते हुए, स्लैब की कास्टिंग के समय, सैनिटरी का काम होते समय, इलेक्ट्रिकल फिटिंग के समय, एलिवेशन बनते समय, फ्लोरिंग, किचन और प्लम्बिंग का काम होते समय, और हर चीज को अच्छे से चेक करवाकर काम करवाएंगे। मीन्स अप्रोक्स 8 से 10 विजिट वो करते हैं जो बड़ी ही यूजफुल होती है। और एज पर माई सजेशन आपको ये सर्विस मकान बनवाते हुए जरूर ले लेनी चाहिए, जो बहुत ही यूजफुल होती है और मकान भी आप बार बार नहीं बनाते। इसके बाद लास्ट में है सुपरविजन एंड प्रेजेंस ऑफ सिविल इंजीनियर। ये एक प्रीमियम सर्विस होती है जो सिविल इंजीनियर और स्ट्रक्चरल इंजीनियर दोनों हमें एक साथ देते हैं, और इसका वो आपसे चार्ज करते हैं 100 से 120 रुपए स्क्वायर फीट तक। इसमें भी आपकी साइट पर डेली या हर अल्टरनेट डे पर विजिट करते हैं और आपकी साइट पर 1 से 2 घंटे का टाइम देते हैं। इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, बस आपको साइट पर मटेरियल ही देना होता है, वो अपने आप कॉन्ट्रेक्टर से बात करते हैं, उन्हें सुपरवाइज करते हैं, वे हमें क्वालिटी टाइल्स सेलेक्ट करवाते हैं मार्केट में हमारे साथ जाकर, हमारी सभी साइट लेबर, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, प्लम्बर सबसे अच्छे से एक एक काम करवाते हैं, ब्रिक्स की अलाइनमेंट चेक करते हैं, प्लास्टिक की थिकनेस, पेंट पुट्टी की थिकनेस चेक करते हैं, और जो साइट पर लेटेस्ट इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं जैसे कंक्रीट वाइब्रेटर, प्लेट कॉम्पैक्टर, उन सब का भी ध्यान रखते हैं कि उन्हें कब कब और कहां कहां यूज करना है, तो वे ये सब चीजें चेक करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि अब आपकी हाउस प्लान और डिजाइनिंग को लेकर सभी क्वेरीज खत्म हो गई हैं, और एक सिविल इंजीनियर का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है ये भी पता चल गया होगा। तो आई होप कि ये जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल होगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो हमें कमेंट करें, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। और अगर आपका कोई वर्क हो डिजाइन और प्लानिंग से रिलेटेड तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप करें, मैं आपको बता दूंगा कि आपका प्लान डिजाइन कितने दिन में रेडी होगा और कितना बजट होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।